हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पल्सर N160 की डिटेल रिव्यू। जैसे कि आप देखते हो, ये हमारे फ्रंट की N160 है, हमने इसको डिटेल बनाने के लिए ली है। चलिए हम शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको मिल जाता है ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड ये DRL मिलती है आपके साथ। जैसे MT में है सेम वैसी है, बट थोड़ा लुक्स चेंज है एंड क्वालिटी भी थोड़ा प्रीमियम है। और सेकेंड है इसके सस्पेंशन। टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट इसमें बजाज ने बहुत अच्छी यूनिक दे रखी है, डिज़ाइन चेंज किया है। और आपको इसमें मिल जाते हैं ये इंडिकेटर हेलोजन ही दिए रखे हैं बजाज ने अभी। एक ही सस्पेंशन मिलेगा जो कि है मोनोशॉक एंड इसमें बजाज प्रोवाइड करती है आपको डबल चैनल ABS। जैसे कि आप जैसे खरीदते हो डबल चैनल ABS आती है इसमें। फ्रंट में भी है, रियर में भी डबल चैनल ABS है एंड इसका फ्रंट टायर मिल जाता है आपको 100x80-17 का टायर मिलता है आपको MRF का। इसमें भी 130.17R17 का टायर मिल जाता है जो कि MRF कंपनी का प्रोवाइड करती है आपको कंपनी बजाज। ये मडगार्ड फ्रंट टायर का ड्यूअल फिनिश में है एंड ड्यूअल पार्ट्स में है। अच्छा डिज़ाइन प्रोवाइड किया बजाज, देख सकते हो आप। मिल जाता है यहाँ पे मड गार्ड प्रोवाइड करती है बजाज जो कि अच्छी है। यहाँ पे भी मिल जाता है आपको एक सॉकर का मड गार्ड एंड एक यहाँ मिल जाता है टायर का मड गार्ड एंड बाकी है इसका इंजन आपको DTSI ट्विन स्पार्क मिलता है। कैपेसिटी की बात करें इसकी तो आपको मिल जाता है 164.82 cc का एंड पावर की बात करें तो इसमें मिलती है 16 PS की पावर आपको एंड टॉर्क मिलता है इसमें 14.65 nm का। इसमें अंडर वैली एग्जॉस्ट प्रोवाइड करती है। साउंड सुना देते हैं आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट का। टोटल तो अभी टोटल नहीं दिया है हमने, साउंड आप चेक कर सकते हो। अब टोटल देना बस यही है इसके साउंड। फाइनली हॉर्न प्रोवाइड करती है बजाज और उनका साउंड सुन सकते हो आप। टैंक के डिज़ाइनिंग की बात करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है पल्सर का ब्रांडिंग जो कि प्रीमियम है एंड आप डिज़ाइन देख सकते हो आप। इसका दोनों साइड से मिल जाता है आपको पल्सर की ब्रांडिंग एंड आपको इसमें मिल जाता है ऑयल कूलेंट मिलता है आपको और आते हैं कंपनी फिटेड लेगार्ड। इतने बड़े नहीं है, खास नहीं है, लग जाएगी गाड़ी के। हैंडलिंग देख सकते हो आप, हैंडलिंग से थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर होना चाहिए था इनको। हैंडल बार पे यहाँ पे आपको अपर डिपर का मिल जाता है ये बटन, अच्छी क्वालिटी का बटन है एंड ये पास का स्विच मिल जाता है आपको, ये इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है आपको एंड ये हॉर्न। यहाँ पर मिल जाता है आपको इंजन कट ऑफ बटन, ये मिल जाता है आपको लाइट ऑन ऑफ के स्विच एंड ये है आपका सेल्फ का बटन, ये मिल जाता है सेल्फ का एंड आपको यहाँ पे मिल जाता है बजाज ने चार्जिंग पॉइंट दिया आपको, ये बेस्ट चीज़ है। अब आ जाते हैं मीटर में, आपको एनिमेशन कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं इसके मीटर में। यहाँ पे मिल जाता है आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का सिम्बो, यहाँ पे मिल जाती है आपको इंडिकेटर का सिम्बल, यहाँ पे मिल जाता है आपको बैटरी का, ये आपका फ्यूल का बताता है इसका इंजन फ्यूल का, यहाँ पे आपको इंजन माल फंक्शन का, ये मिल जाता है आपको RPM मीटर, यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे आपको किलोमीटर होते हैं कितने की स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे मिल जाता है आपको टाइम एंड यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है। उसके बगल में आपको छोटा सा दिख रहा है सर्विस का इंडिकेटर, ये देख सकते हो आप एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्यूल रेंज एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है RPM लिमिट का, यहाँ पे ABS, ये राइट इंडिकेटर का सिंबल एंड यहाँ पे न्यूट्रल का। आते हैं सीट की कुशनिंग पे, बजाज ने सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी दे रखी है एंड फिनिशिंग भी अच्छी है सीट की, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको इसका कर्व वेट के बारे में बताएं तो कर्व वेट मिलता है आपको इसका, वेट हो जाता है 152 kg का। बताएं आपको तो इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है एंड माइलेज की बात करें तो 59.65 kmpl का माइलेज मिलती है आपको। मिलता है 5 स्पीड का गियर बॉक्स।
यही था आज की वीडियो में जो आपको हमने N160 का रिव्यू बताया। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।